हेलो बच्चों, आज जो है हम टॉय बेस्ड टीचिंग पे जो है ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप देखें कि डेली के जो सामान होते हैं और जिसके आधार पे बच्चे खेलते हैं और खेल खेल में जो है साइंस कैसे सीखते हैं, फिजिक्स कैसे सीखते हैं, ये हम इन चीजों को देखते हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत कुछ चीजें हमने ली है, जैसे सरफेस टेंशन इन बबल, एयर बलून, इसमें प्रेशर बताएंगे, डिस्कस थ्रो। ये अगर हम करते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल होता है जो डेली लाइफ में यूज होता है और बच्चे खेलते हैं इनको। और ऑसिलेशन, पेंडुलम, झूला वगैरह बनता है, उससे पता चलता है। और जैसे बच्चे कॉनकेव लेंस से पेपर वगैरह जलाते हैं, वो भी खेल खेलते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें कि बलून का, ये बबल, तो बबल देख रहे हैं आप, बबल फॉर्म हो रहे हैं और बबल में जो है अंदर से प्रेशर हो रहा है, अंदर से प्रेशर हो रहा है, उसकी वजह से एयर से क्या हो रहा है, ये बाहर की ओर जो है ये निकल रहा है। ठीक है भाई, एयर प्रेशर के कारण, अंदर का एयर का प्रेशर है और जो लिक्विड है उसका शेप कैसा हो रहा है, सर्कुलर सा हो रहा है ना। और ये सर्कुलर शेप क्यों हो रहा है, सरफेस टेंशन के कारण हो रहा है। हाँ, दूसरा ये जो है बैलून बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बैलून की जगह जो है एयर प्रेशर को अपन देख सकते हैं। तो प्रेशर किस तरीके से, प्रेशर के बारे में सभी को मालूम है ना। प्रेशर के जरिए आप जानते हैं कि प्रेशर बहुत ही पावरफुल चीज होती है ना। प्रेशर की वजह से कोई भी चीज आसानी से ब्रेक भी हो सकती है और ऊपर भी जा सकती है। आप देखिए रॉकेट का जो सिद्धांत होता है प्रेशर के आधार पर होता है, गैस बहुत तेजी से बाहर निकलती है एयर प्रेशर से और रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, ये देख सकते हैं डेमो में। हाँ, तो ये हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए बच्चे लोग इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं और जो है ये लेंस के जरिए जो है ये कागज को जलाते हैं। ये छोटे बच्चे ही इस एक्टिविटी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। और ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो पूरा लाइट को एक जगह पे सेंट्राइट करता है। और इसमें एक सावधानी रखना है कि बच्चों को कभी भी खुली आंख से इसको देखना नहीं है। हम हमेशा इन सावधानी को बताते हैं बच्चों को कि खुली आंख से नहीं देखना है, नहीं तो कॉर्निया खराब हो जाएगा। ये 45 डिग्री है, डिस्क है, डिस्क फेंक रहे हैं बच्चे, तो सबसे ज्यादा जो जाता है 45 डिग्री पे जाता है। ये देखिए ये नीचे फेंक रहे हैं तो कम जा रहा है, 45 डिग्री ऐसे फेंकेंगे तो ये सबसे ज्यादा जा रहा है, ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसमें कवर करता है। ओके, हाँ, तो ये जेवलिन थ्रो में भी आप देख सकते हैं, जैसे डिस्कस थ्रो में 45 डिग्री था, इसमें भी है, ये आप देखते हैं बच्चे, ये 45 डिग्री से। नेक्स्ट है ये पेंडुलम। पेंडुलम के आपको मालूम है कि जो झूले का सिद्धांत होता है, घड़ियों का सिद्धांत होता है, ये पेंडुलम के बेस पे होता है और बच्चे इसको काफी एंजॉय करते हैं। तो हम चलते हैं फिर गार्डन में जहां लेंगे। झूला है अपन ने जो देखा, पेंडुलम, पेंडुलम के सिद्धांत के आधार पे झूला काम कर रहा है। आप देख रहे हैं बच्चे कितना एंजॉय करते हैं और ये खेल खेल में जो है पेंडुलम का सिद्धांत भी जो है बच्चे सीख जाते हैं।